की बातें कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई है। बुजुर्गों, अभी 3-4 दिन कबल इसी मदरसे के सदर आली जनाब अलहाज इकबाल पाशा साहेब का इंतकाल हो चुका है। कल रात बरोजे जुमेरात बाद नमाज़ें हो गई, इसी मदरसे हाजा में ताजियत का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। उसी के उन्वान पर, उसी के मुताबिक आज जो है चंद अहम बातें हमारे सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर जगह जगह इरशाद फरमाते हैं, कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स, हर इंसान को पैदा होने के बाद एक ना एक दिन इंसान को इस दुनिया से जाना जरूरी है। कब जाना है, कब आना है, ये सारी कैफियात, ये सारा इल्म मेरे और आपके मालिक परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। जिसको चाहते ही, जब चाहते ही दुनिया के अंदर भेजते ही, और इसी तरह जिसको चाहे, जब चाहे अपनी अमानत को वापस बुला लेते ही। तो बुजुर्गों, बस इंसान एक मुसाफिर है। इंसान इस दुनिया में रहकर आने का मकसद पहचानने के लिए अपने खुदा की मारिफत, अपने परवरदिगार की पहचान कर उसकी फरमा बरदारी के लिए दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अपनी कायनात के अंदर इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया है, साथ साथ में पैदाइश का मकसद भी वाजह कर दिया कि मेरी इबादत के लिए, मेरी इबादत और फरमा बरदारी के लिए मैंने इन दो मखलूकात को पैदा किया है। तो बुजुर्गों, समझदार इंसान वही है जो अपनी आखिरत की तैयारी करे और दुनिया के अंदर ऐसा काम करके चला जाए कि इंसान जाने के बाद भी इंसान को दूसरी इंसानियत, दूसरे अहबाब, चाहे रिश्तेदार हो चाहे वो गैर रिश्तेदार हो, इंसान के अखलाक और किरदार को देखकर, अपने पीठ पीछे छोड़े हुए किरदार को देखकर, उसके अहम रोल को देखकर इंसान उसको याद करे, उनके अहवाल का मुजाकिरा करे, तस्किरा करे। गुज़िश्ता जुमा में हमारा उन्वान था कि मखलूक और खालिक के दरमियान में रिश्ता क्या होता है। ये उम्मती और अपने पैगंबर के दरमियान में रिश्ता क्या होता है, बतलाया गया था कि रूहानी रिश्ता होता है, रूहानी रिश्ता होता है। हमारे दरमियान औलाद, वालिदैन, भाई बहनों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान में ये खूनी रिश्ता होता है, जिस्मानी रिश्ता होता है। तो बुजुर्गों, इसी रूहानी रिश्ते को मजबूत करने के लिए इंसान दुनिया के अंदर तशरीफ लाता है, दुनिया के अंदर भेजा गया है। ये रूहानी रिश्ता के ऊपर मेहनत करते 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 इंसान का एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है, मुलाकात करता है। मुलाकात करने का जरिया क्या है? अपने मालिक से मुलाकात कब होगी? मुलाकात का जरिया क्या है? दुनिया में रहते हुए ये आंख लेते हुए कोई इंसान को यह हक नहीं पहुंचता
या इंसान के अंदर इसकी ताकत से बाहर है कि वो जीते जी अपने मालिक से मुलाकात करे। कब मुलाकात करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मौतु जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत ये पुल है जो एक दोस्त को एक दोस्त से मिला देती है। अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर फरमाया, पुल, पुल किसे कहते हैं? कि एक नदी से पार लगाना है, एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना है, दरमियान में कोई नदी मिल रही है, कोई नाला मिल रहा है, तो उस नदी नाले के ऊपर एक पुल बनाया जाता है जिसे पार करके इंसान नदी के उस जगह आसानी के साथ चला जाता है। तो ये दुनियावी आलम है, उखरवी आलम में जाना है, बरजख आलम में जाना है, आलम बरजख के अंदर जाना है, तो उस पार अपने मालिक से मुलाकात करना है। तो उस पार जाने के लिए इंसान को इस मौत की पुल से गुजरना पड़ेगा। तो हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मौत कब आएगी बुजुर्गों? ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, कियामत का इल्म अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वह युनज्जिलुल गैथ, बारिश कब आएगी, बारिश कब बरसेगा, पानी कब आएगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, माँ के पेट के अंदर औलाद कैसे होगी, किस तरह की औलाद बाहर आएगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इंसान कब मरेगा, किस जगह मरेगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बस इंसान को अपनी आखिरत का तोशा तैयार रखना है। कब बुलावा आएगा पता नहीं, कब बुलावा आएगा इंसान नहीं जानता। बुजुर्गों, अहम बात हमको ये बताना है, ये समझना है, समझाना है, इंसान अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर वो आमाल करे, वो किरदार करे कि इंसान जाने के बाद उसकी जिंदगी को याद करना चाहिए। सिर्फ दो ही लफ्ज हैं, इंसान बेहतर था चला गया, अच्छा था चला गया, ये एक ताबीर है। ताबीर पर गौर करें, अच्छा था चला गया। दूसरी ताबीर है, अच्छा हुआ चला गया। दोनों के अल्फाज, दोनों के हुरूफ एक जैसे मालूम होते हैं, मगर दोनों की ताबीर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा था चला गया क्या मतलब? अरे ये जमीन पर, इस जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए अभी ये इंसान की जरूरत थी, अभी ये इंसान को काम कर सकता था, इंसान प्यासे थे। इसके किरदार से, इसके अखलाक से, इसके आमाल से अभी मखलूक को जरूरत थी, अल्लाह का बुलावा आया, ये इंसान चला गया, ये मतलब है अच्छा था चला गया। दूसरी ताबीर, अच्छा हुआ चला गया, इसका क्या मतलब है कि इंसान ऐसा किरदार कर रहा है, ऐसा अपने रिश्तेदारों के दरमियान में जिंदगी गुजार रहा है कि वालिदैन को नाक में दम कर दिया, बीवी के ऊपर जुल्म और सितम, औलाद जो है अपने बाप को देखते हुए अपना सर नीचे झुका रही है, बेटियां अपने बाप को देखते हुए सोसाइटी के अंदर अपना सर झुका रही है कि मैं किस बाप की औलाद हूं, पड़ोसी इसके अखलाक से बेजार, सोसाइटी के अंदर इसके बोल से, इसके अल्फाज से बेजार है, इतना गिर चुका है इंसान। जब ऐसा इंसान दुनिया से जाता है तो दोस्तों इसकी मैयत पर या इसके जनाजे पर लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ चला गया। कब्र भी क्या कहेगी? कब्र के अंदर भी दो ताबीरें हैं, एक नेक इंसान की रूह को, नेक इंसान के जिस्म को,
जब कब्र के अंदर रखा जाता है तो कब्र कहती है कि ओ अल्लाह के बंदे तेरा आना मुबारक हो। क्या कहेगी कब्र? तेरा आना मुबारक हो, मेरे पुश्त पर मेरे ऊपर जितने अल्लाह के बंदे गुजर रहे थे, चल फिर रहे थे, उन तमाम में से तू मेरे लिए बेहतर था, आज तू मेरे हवाले किया गया है, सुपुर्द किया गया है, देख मैं तेरे साथ कैसा मामला करती हूँ, कैसा बर्ताव करती हूँ। ये एक ताबीर है। वही इंसान नाफरमान, बेनमाजी, बद अखलाक, बद किरदार, ऐसी रूह, ऐसा जिस्म जब कब्र के हवाले होता है तो कब्र क्या कहती है कि वो अल्लाह के बंदे तेरा आना ना मुबारक हो, तेरा आना मेरे लिए मनहूस है, नहुसत है, मेरे पुश्त पर जितने बंदे गुजर रहे हैं उन तमाम में से मनहूस तू शख्स है, आज मेरे पेट के अंदर आया है, मेरे अंदर आया है, देख तेरे साथ क्या बर्ताव करती हूँ। तो बुजुर्गों, कब्र के कहने के बाद इतना दबोचती है, इतना दबोचती है कि एक इंसान की पसलियां दूसरी पसलियों के दरमियान में घुस जाती हैं, जिसे अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बताया कि एक हाथ की उंगलियां, एक हाथ की उंगलियां दोनों उंगलियों के दरमियान में घुसाकर मिलाकर बताया कि एक पसलियां दूसरी पसलियों के दरमियान में इस तरह मिल जाती है। ये हशर होगा बुजुर्गों, बद किरदार इंसान का, बेनमाजी इंसान का। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं किसके साथ क्या सुलूक होता है, न मैंने देखा है, न आपने देखा है, न कोई इंसान मर के आके लौट कर बताया है कि कब्र के अंदर ये अहवाल पेश आते हैं। बस अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इनकी एक एक बात, एक एक अर्थ, एक एक लफ्ज सच्चा है। जो इन बातों को मानकर चलेगा बुजुर्गो, हकीकत में वही इंसान कामयाब है। तो आज का सबक है, आज का पैगाम है, ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी करनी कर प्यारे, ऐसी करनी कर प्यारे, जब तू जाए तो जग रोए। इसी शायर ने कहा है, जब इंसान पैदा होता है तो बच्चा बेड पर, अस्पतालों में, गोदों में, जिसे जो चाहे उठाएगा, अपनी गोद में लेगा, बस बच्चे का काम है रोना, बच्चे का काम है रोना। मगर इधर देखो, बच्चे के वालिदैन, बच्चे के रिश्तेदार, सारे लोग हंसी खुशी मना रहे, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई जहांगीर बांट रहा है, लो अरे बेड पर तो जारो कितार बच्चा रो रहा है, कोई इसकी रोने की तरफ नहीं बल्कि खुशी मना रहे। तो उलमा ने लिखा है कि इंसान ऐसी जिंदगी गुजार, जब तेरा इंतकाल हो तो तू खामोश रहे, सारा जग रोना चाहिए, अच्छा था इंसान चला गया है, सारा इंसान ये सारा कुंबा, सारा मोहल्ला, सारे अहबाब, सारे पड़ोसी लोग अपने आंखों के अंदर आंसू बहाए कि काश इंसान और जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। तो बुजुर्गों, जितने बातें कहें ही सुने ही, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर एक को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों के अंदर राहत, चैन और सुकून अता फरमाए, मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन।